सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बकरीद के लिए एक बहुत ही खास रेसिपी, जो कि है कच्चे कीमे के कबाब। बहुत ही टेस्टी कबाब ये बनते हैं और इनको बनाना भी बहुत आसान है। तो आइए इसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो आधा किलो मैंने मटन का कीमा लिया है, यानी बकरे का कीमा। आप चाहें तो बड़े का भी ले सकते हैं। और ये बहुत बारीक कीमा है, मैंने इसको मशीन में निकलवा लिया है। अगर आपका कीमा थोड़ा मोटा है तो आप मिक्सी में इसको एक से दो बार चला लीजिए ताकि इसके अंदर लेस आ जाए और आपके कबाब जो हैं वो टूटे नहीं। तो मेरा पहले ही बारीक कीमा है, आधा किलो है ये। तो एक मीडियम साइज की प्याज लेके मैंने इसको बारीक काट लिया था और इसके बाद मैंने इसको गोल्डन फ्राई कर लिया है। एक और प्याज ली थी मैंने और इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। और इसके बाद इसका जितना भी पानी था वो मैंने हाथ से अच्छे से निचोड़ के इसको फरेरा कर लिया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कीमे में पानी हो और हमारे कबाब टूटें। तो ये दो प्याज हो गए, एक गोल्डन फ्राई और एक ग्रेटेड। और इसके अलावा 4 से 5 टेबलस्पून मैंने लिया है बेसन। बेसन को मैंने फ्राइंग पैन में डाल के और हल्का सा भून लिया है। आप इसकी जगह भुने हुए चने का आटा भी ले सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्चों को लेके मैंने रफली चॉप कर लिया है। 5 से 6 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं और 1.5 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। इनको भी हम चॉप करेंगे। अगर आप चॉपर में सब चीज़ें डाल के जिस तरह मैं करने वाली हूँ ऐसा करना चाहते हैं तो आप रफली चॉप करके ले लीजिए, वरना फिर आप इन सभी चीज़ों को बहुत बारीक काट लीजिएगा, जिस तरह से हम ऑमलेट के लिए काटते हैं। 1 लेमन का इसमें जूस जाएगा, 1 टेबलस्पून मक्खन, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, और ये है 1 टीस्पून भर के कचरी पाउडर, या कोई भी आपके पास मीट टेंडराइजर है आप वो ले सकते हैं ताकि हमारा जो कीमा है वो गल जाए। कच्चे कीमे के कबाब हैं तो इसमें ये ज़रूर जाता है। तो ये कचरी का पाउडर है, आधा टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, और ये है हमारे पास 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, और 1.5 टीस्पून मैंने लिए हैं चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च, या आप कम या ज़्यादा अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है भुना हुआ और कुटा हुआ साबुत धनिया। तो सबसे पहले हम जो अपना कीमा है इसको चॉप करेंगे, यानी चॉपर में डाल के सब चीज़ें इसके साथ मिक्स करेंगे। तो उससे पहले जो हरी मिर्चें, अदरक और ये लहसुन है, पहले मैं इनको चॉप कर लेती हूँ। सबसे पहले ये देख लीजिए, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को मैं चॉप कर लेती हूँ। देते हैं हम इसके अंदर कीमा। फ्राइड प्याज, ग्रेटेड प्याज, सभी मसाले डाल देते हैं, भुना कुटा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, भुना कुटा जीरा, नमक, गरम मसाला, कचरी पाउडर और बटर। साथ में पहले हम इसको चॉप कर लेते हैं। अब डाल देते हैं हम इसके अंदर ये भुना हुआ बेसन, साथ ही में लेमन का जूस, फिर से हम सभी चीजें एक बार अच्छे से मिक्सी में चला लेते हैं। अपने कीमे को एक बोल में निकाल लेते हैं। हमने बोल में निकाल लिया है, अब हम डाल देते हैं इसके अंदर हरा धनिया और इसको अब हाथ से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कीमे में देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और आप कीमे की थिकनेस देख सकते हैं कि आपका कीमा जो है इतना थिक होना चाहिए तभी इसमें बाइंडिंग आएगी। अगर इससे कम है तो फिर आप भुना हुआ बेसन या फिर आप चने का आटा जो मिला रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा मिला दीजिएगा, वरना आपके कबाब टूट सकते हैं। तो अब इसको मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि कीमा जो है अच्छे से मैरिनेट हो जाए और इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए।
तो कीमे को मैंने फ्रिज के अंदर 2 घंटे के लिए रख दिया था, अब इसको निकाल लिया है। अब हम इसके मीडियम साइज़ के कबाब बनाएंगे, बहुत छोटे नहीं बनाइएगा क्योंकि कच्चा कीमा है और कच्चा कीमा फ्राई होने के बाद श्रिंक हो जाता है, तो ये कबाब छोटे हो जाएंगे। तो बस मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ और शेप आप अपनी पसंद की कोई भी रख सकते हैं, लेकिन मैं जो शामी कबाबों वाली शेप होती है टिक्कियों वाली वही रख रही हूँ। तो इस तरह से मैं सभी बना लूँगी। कुछ कबाब मैंने बना लिए हैं और बाकी के मैं जिस तरह से फ्राई करती जाऊँगी उसी हिसाब से बनाती जाऊँगी। पैन में हमने ऑयल को गरम कर लिया है, ज़्यादा ठंडा ऑयल नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए। तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ कबाब और टेम्परेचर चेक कर लेती हूँ, ये ठीक है। तो इसको अभी हम टच नहीं करेंगे और इसमें हम अपने कबाब डालते जाएंगे। इस तरह से मैं जितने भी पैन में आ जाएंगे वो डाल दूंगी। कबाबों को हम थोड़ी देर बिना टच किए इसी तरह से एक साइड से पकने देते हैं, फिर जब ये थोड़े से फर्म हो जाएंगे तब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। हम हल्के हाथ से कबाब की साइड को चेंज करते हैं। ये देखिए और कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर भी आ गया है। इस तरह से ये देख लीजिए कितना प्यारा इनके ऊपर कलर आ गया है। इसी तरह से हम लो फ्लेम पर अब दूसरी साइड से पकाएंगे जब तक कि कबाब जो है अंदर से गल नहीं जाते और ऊपर से इन पर अच्छा कलर नहीं आ जाता। तो कबाब हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये देख लीजिए आप। बस अब मैं इनको एक किचन टावल पे निकाल देती हूँ और इन पर बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया, ये देखिए आप। देखिए तैयार हैं हमारे कच्चे कीमे के कबाब। बहुत ही आसान रेसिपी है इस बकरीद, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।